हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहिनीज किचन। अगर आप चॉकलेट या ब्राउनी खाने के शौकीन हैं तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही ट्रेंडिंग एक क्रिंकल ब्राउनी की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको बनाना, तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक बोल में मैंने डाली है डार्क चॉकलेट कंपाउंड। तो ये मैंने 250 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है, उसमें मैंने डाल दिया 1/4 कप के करीब ये बटर। तो ये सॉल्टेड बटर लिया है और एक पैन में मैंने पानी पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो जैसे ही पानी हमारा गर्म हो जाएगा उस पर हम ये बोल रख देंगे और चॉकलेट और बटर को मेल्ट होने देते हैं। तो दोनों चीज़ों को मिला देते हैं अच्छे से और इसी तरीके से चलाते रहेंगे और इसको हम मेल्ट होने देंगे तो हमारी ये गनाश बनकर तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो इस गनाश को माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। ये हमने अच्छे से गनाश बनाकर तैयार कर ली है और इसमें देखिए अच्छे से ये मेल्ट हो गई है। अब इसमें डाल देते हैं ये हम 380 ग्राम के करीब कंडेंस मिल्क और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें हम रखेंगे एक छन्नी और उसमें डाल देंगे मैदा। तो यहाँ पर 80 ग्राम मैंने मैदा लिया है, 40 ग्राम मैंने डाला है यहाँ पर कोको पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने डाला है बेकिंग पाउडर। बस सारी चीज़ों को हमें इस तरीके से अच्छे से मिला देना है और कट एंड फोल्ड तरीके से मैं इसको मिला रही हूँ और इसका लम्प फ्री बैटर बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। केक टिन को हम एक बटर पेपर लगाकर ग्रीस कर लेंगे, उसमें हम ये डाल देंगे बैटर को, चॉकलेट वाले सारा बैटर हम इसमें डाल देते हैं। तो ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारी बैटर की। और मैं ये ब्राउनी ना अवन में बना रही हूँ तो अवन को मैंने पहले प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। एक बार टैप कर देते हैं ताकि जो भी एयर बबल हो ना वो निकल जाए। अब इसको हम ये रख देंगे तो 180 डिग्री पर हम इसको करीब 30-35 मिनट्स के लिए बेक होने देंगे। और बेक होने के बाद मैंने ब्राउनी को जब ठंडी हो गई है उसको पीसेस में कट कर लिया है। तो हमारी क्रिंकल ब्राउनी बनकर तैयार है। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।